हेलो हम टॉपिक पढ़ रहे थे कनेक्टिव टिशू सबसे पहले हल्का से रिवाइज करते हैं कनेक्टिव टिशू एक ऐसा टिशू होता है जो बॉडी में एक पाथ को दूसरे पात को से कनेक्ट करता है तो आप देख सकते हैं यहाँ सर से लेग्स को कनेक्ट कर रहा है या लेग्स को आर्म से कनेक्ट कर रहा है दिस इज़ कॉल्ड द कनेक्टिव टिशू अभी जो हमने पढ़ा था दैट वाज एरियोलर कनेक्टिव टिशू जो पैकिंग मटेरियल की तरह काम करता है यानी कि हार्ट और लंग्स के बीच की खाली जगह को भरता है दूसरा हमने पढ़ा था एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू जो फैट होता है हमारी बॉडी को हीट प्रोवाइड करता है और हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है ये भी हमारे बॉडी ऑर्गन्स के बीच में होता है आज हम जो पढ़ेंगे इट्स अ टाइप ऑफ ए रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू इसमें हम पढ़ेंगे टेंडन्स एंड लिगामेंट्स तो आ, ये देखिए वॉट आर टेंडन्स एंड आर लिगामेंट्स टेंडन एंड लिगामेंट एक इस प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू होता है सबसे पहले टेंडन की बात करते हैं टेंडन्स एक इस प्रकार के कनेक्टिव टिश्यू होते हैं जो बोन्स को मसल के साथ कनेक्ट करते हैं तो ये मसल्स हैं आपके एंड दिस इज अ बोन और इनके बीच में ये जो व्हाइट कलर का टिश्यू आपको दिख रहा है दिस इज कॉल्ड अ टेंडन इसको टेंडन कहा जाता है सो टेंडन इज अ फाइब्रस कनेक्टेड टिश्यू ये धागों की तरह होता है फाइबर जो मसल्स को बोन से कनेक्ट करता है राइट right? कार्टिलेज अगर हम वहीं पर लिगामेंट की बात करें तो लिगामेंट एक ऐसा कनेक्टेड टिश्यू होता है जो एक बोन को दूसरे बोन से कनेक्ट कर रहा है तो ये देख रहे हैं यहाँ पर एक बोन है यहाँ पे दूसरी बोन है और इनके बीच में जो वाइट कलर का टिश्यू है फाइबर है ये फाइब्रस टिश्यू है दैट इज़ कॉल्ड अ लिगामेंट सो लिगामेंट इज़ अ कनेक्टिव टिश्यू जो एक हड्डी को दूसरी हड्डी से ज्वाइन करता है सो इफ यू टॉक अबाउट द डिफरेंस बिटवीन टेंडन एंड लिगामेंट्स टेंडन मसल्स को बोन से ज्वाइन करता है लिगामेंट तो बोन्स को ज्वाइन करता है टेंडन इज अ वाइट टिश्यू लिगामेंट इज अ येलो टिश्यू दोनों ही फाइबरस टिश्यू होते हैं और दोनों ही बॉडी पार्ट्स को कनेक्ट करते हैं टेंडन uh, बहुत टफ होता है लेकिन इलास्टिक नहीं होता लिगामेंट्स इलास्टिक होता है और बहुत स्ट्रांग होता है टेंडन इज फाउंड बिटवीन मसल एंड बोन एंड लिगामेंट इज फाउंड बिटवीन जॉइंट्स यानी कि हड्डियों के बीच में मिलता है uh, जो नेक्स्ट टॉपिक हम कर रहे हैं दैट इज़ कॉल्ड द फ्लूड कनेक्टिव टिश्यू फ्लूड कनेक्टिव टिश्यू हमारी बॉडी में दो तरह के होते हैं ब्लड एंड लिम ब्लड का काम है फूड को ट्रांसपोर्ट करना वाटर ऑक्सीजन या वेस्ट मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करना सो फ्लूड कनेक्टिव टिश्यू में आ, हम ब्लड एंड लिम्फ के बारे में स्टडी करते हैं तो ये देखिए दिस इज आर ब्लड सेल्स ये ब्लड सेल्स हैं हमारे पास आ, ये कितने प्रकार के होते हैं आप यहाँ देख सकते हैं सबसे पहले हम ब्लड को डिस्कस करेंगे विल डिस्कस ब्लड ब्लड फूड गैसेस एंड वेस्ट को ट्रांसपोर्ट करने में मदद करता है तो अब यहाँ देख सकते हैं अगर हम ब्लड के पार्ट के बारे में डिस्कस करें तो ब्लड में एक ट्रांसपेरेंट लिक्विड होता है दर इज अ ट्रांसपेरेंट लिक्विड विच इज़ कॉल्ड प्लाज्मा ये अबाउट फिफ्टी फाइव परसेंट आपका बॉडी में ब्लड में प्लाज्मा होता है इट इज़ मेरअप ऑफ वाटर ब्लड इज मेरअप ऑफ प्लाज्मा इज मेरा ऑफ वाटर एंड सॉल्ट एंड प्रोटीन्स सॉल्ट एंड प्रोटीन ये बेसिक चीज़ें होती हैं आपके प्लाज्मा में राइट उसके बाद आता है आपका रेड ब्लड सेल आप ये देख सकते हैं रेड ब्लड सेल इज फोर्टी फाइव परसेंट काफ़ी सारा है आपका परसेंटेज इट्स कंजिस्ट ऑफ ए सेल जिसके अंदर एक प्रोटीन होता है जिसे हम हीमोग्लोबिन कहते हैं और ये ऑक्सीजन कैरी करने में मदद करता है द नेक्स्ट इज़ अ वाइट ब्लड सेल आप देख सकते हैं वाइट ब्लड सेल बहुत ही कम है दिस इज़ ओनली लेस देन वन परसेंट और ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फाइट करने में मदद करता है एंड फाइनली यू हैव प्लेटलेट्स ये भी बहुत कम मात्रा में होते हैं वन परसेंट से कम होते हैं और ये ब्लड को क्लॉट करने में मदद करता है कभी कभी अगर आपका हाथ जल जाए या आपका हाथ कट जाए तो वहाँ पर एक पापड़ जैसा बन जाता है दैट इज बिकॉज ऑफ प्लेटलेट्स प्लेटलेट्स आपकी स्किन को रिपेयर करने में मदद करता है तो अगर आप ये देखेंगे ये लिक्विड जो है दिस लिक्विड दिस इज प्लाज्मा राइट ये रेड ब्लड सेल्स आपको नजर आ रहे हैं यहाँ पर भी आ रहे होंगे ये बहुत बड़े बड़े गोल व्हाइट कलर के सेल्स एयर कॉल्ड व्हाइट ब्लड सेल्स और ये छोटे छोटे स्टार शेप के स्ट्रक्चर्स इनको हम कहते हैं प्लेटलेट्स इनके फंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं रेड ब्लड सेल का काम होता है ऑक्सीजन कैरी करना राइट व्हाइट ब्लड सेल का काम होता है बैक्टीरिया से फाइट करना प्लेटलेट का, का काम है ब्लड क्लॉटिंग करना और प्लाज्मा का, का काम है ब्लड uh, वॉल्यूम या और ब्लड प्रेशर को मेंटेन करना तो यहाँ देखिए डीजा वाइट ब्लड सेल्स ये हैं आपके पास वाइट ब्लड सेल्स ये कितने प्रकार के होते हैं ये देखिए सबसे पहले तो हम इन तीनों को डिस्कस करते हैं इन तीनों व्हाइट ब्लड सेल के अंदर दाने होते हैं इसीलिए इनको बोलते हैं हम ग्रेन्यूलोसाइट्स वी कॉल देम ग्रेन्यूलोसाइट्स जिनके अंदर दाने होते हैं ग्रेन्यूलोसाइट्स right? uh, राइट जो जो रेड कलर दे इोसिन नाम के डाई के साथ उसको कहते हैं इोसिनो फिल फिल का मतलब होता है लविंग एंड इोसिन इज अ टाइप ऑफ अ डाई इट इज़ अ टाइप ऑफ ए डाई एसिडिक डाई होता है इसलिए इसका नाम है ईसिनोफिल इन्हें एसिडोफिल भी कहा जाता है क्योंकि ईसिन इज एन एसिडिक डाय अब यहाँ देख सकते हैं दिस इज कॉल्ड अ बेसोफिल क्योंकि ये बेसिक डाई के साथ कलर देते हैं बेसिक फिल मतलब लविंग एंड फाइनली यू हैव न्यूट्रोफिल जो न्यूट्रल डाई के साथ या न्यूट्रल कलर के साथ न्यूट्रल डाई के साथ ये कलर कलर शो करते हैं तो वो देखकर न्यूट्रोफिल ये तीनों ही बैक्टीरिया को किल करने में मदद करेगा उसके अलावा वी हैव अ मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट ये भी वाइट ब्लड सेल के एग्जाम्पल्स हैं ये भी बैक्टीरिया से फाइट करने में मदद करते हैं ये आर है जिसका दूसरा नाम है इरिथ्रोसाइट ये ऑक्सीजन को कैरी करने में मदद करता है एंड फाइनली यू हैव प्लेटलेट्स जो ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता है तो आज इतना ही करते हैं